प्रभु राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा। दिल्ली के शालीमार बाग में चल रहा ये आयोजन महज भजन संध्या नहीं है, ये आस फाउंडेशन का वार्षिक आयोजन चलो सुदामा द्वार है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन को लेकर चल रही सामाजिक संस्था आस फाउंडेशन का ये आयोजन शालीमार बाग में अब किसी परिचय का मोहताज नहीं है। ये मंच उन सक्षम समाज सेवियों का है जो आज के सुदामा को मदद देने खुद सुदामा के पास पहुंच रहे हैं। यूं तो आस फाउंडेशन वर्ष भर गरीब और जरूरतमंद लोगों के कल्याण और जन जागृति अभियान में लगी रहती है, लेकिन ये आयोजन कुछ खास होता है। इस आयोजन में प्रतिभावान बच्चों को पुरस्कृत कर प्रोत्साहित किया जा रहा है, तो वहीं उन लोगों को भी सम्मानित किया जा रहा है जो जन कल्याण के इस अभियान में आस फाउंडेशन के साथी और सारथी बने हुए हैं। 12 फरवरी को हुए इस आयोजन में बड़ी तादाद में बड़े बड़े नेता से लेकर समाज सेवी, उद्योगपति, बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी भी पहुँचे। दिल्ली पुलिस संयुक्त आयुक्त संजय सिंह और नॉर्थ वेस्ट जिला पुलिस आयुक्त मिलिंद महादेव भी खास तौर से मौजूद रहे और आज के इस आयोजन की जमकर तारीफ की। आज फाउंडेशन बहुत अच्छा काम कर रही है, खासकर गर्ल्स एजुकेशन के लिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनका मूल मंत्र है और बेटियों को सक्षम बनाने के लिए स्कॉलरशिप्स देते हैं और साथ साथ उनका अभी पाया जाता है जैसे कि ट्वेल्थ की जैसे बच्चियां जो हैं कई लोगों ने 90% से ऊपर जो अंक जिन्होंने प्राप्त किए उनको और आगे बढ़ावा देने के लिए इनकी चेष्टा है, इनकी कोशिश है। आज फाउंडेशन के इस आयोजन में भक्ति और भजन संध्या का भी विशेष आकर्षण था। यहाँ पहुँचे तमाम लोगों ने मशहूर भजन गायक चित्र विचित्र के भजनों का भी जमकर आनंद लिया। आस फाउंडेशन की संस्थापक और अध्यक्ष रेखा गुप्ता स्थानीय निगम पार्षद भी हैं। अपने इलाके के गरीब लोगों और जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए स्थानीय निगम पार्षद रेखा गुप्ता की पहचान तेज तरार बीजेपी नेता की तो है ही, साथ ही आस फाउंडेशन ने रेखा गुप्ता को सामाजिक कार्यों में भी पहचान दी है। देखियो, इस समय समाज को जरूरत है कि समाज की बेटियां, देश की आधी आबादी महिलाएं आगे बढ़े और देश का नाम रोशन करें, और शिक्षा के बिना ये संभव नहीं है। तो आस फाउंडेशन का ये ध्येय है कि समाज की जितनी अधिक से अधिक बेटियों को हम शिक्षित कर पाएँ, उनकी मदद कर पाएँ, हम उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करें। समाज के अग्रणी लोगों को हमें सहयोग मिलता है, वो मदद करके इन बच्चियों की पढ़ाई के लिए अभी हमने फ्री कंप्यूटर सेंटर खोला है जिसमें हजारों बच्चियाँ कंप्यूटर की शिक्षा ले पाएंगी। मैं आस फाउंडेशन के माध्यम से अपनी सभी बेटियों को ये कहना चाहूँगी कि आप खूब पढ़ें, खूब आगे बढ़ें, पूरा देश आपके साथ है, पूरा समाज आपके साथ है। इस आयोजन में बड़ी संख्या में सम्मानित और सक्षम लोग तो मौजूद थे ही और आम और गरीब लोग और उनके बच्चे भी मौजूद थे। आयोजन की भक्ति भावना और भव्यता देखते ही बन रही थी। सचमुच ये आयोजन अपने नाम को सार्थक करता आ रहा है। दिल्ली दर्पण टीवी ब्यूरो रिपोर्ट। 7 वर्ष के छोटे से बालक होने के बाद